फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर सास बहू की देसी रसोई। आज हम इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल तिरंगा इडली बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर सूजी डालेंगे। दो छोटे बाउल सूजी हमने डाली है, लगभग 200 ग्राम सूजी का यूज़ कर रहे हैं हम। इसके अंदर हम दही डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हम इसके अंदर दही डालेंगे। दो छोटे बाउल ही हमने दही डाली है इसके अंदर। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर इसमें ज़रूरत लगी तो हम बाद में भी पानी को ऐड कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पर रख देंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, सूजी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम एक पतीली के अंदर स्टैंड रखेंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी का लेवल हमारा इस तरह से होना चाहिए, स्टैंड जो हमने रखा है स्टैंड से थोड़ा नीचे ही होना चाहिए पानी का लेवल। इडली के अंदर अब हम नमक डालेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ले सकते हो। आधा चम्मच हमने नमक डाला है, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम सूजी को 3 पार्टीशंस में डिवाइड कर देंगे। इक्वली डिवाइड करना है हमें। 2 बॉल्स के अंदर हम डाल देंगे। पानी में बॉयल आने का तक का वेट करेंगे। इतने हम अपने 3 सेक्शंस रेडी कर लेते हैं। जो हमारा तिरंगा झंडा है उसमें सबसे नीचे का कलर होता है ग्रीन कलर, तो हम सबसे पहले वो बनाने जा रहे हैं। सूजी के अंदर हमने चुटकी सा ग्रीन कलर ऐड किया है। इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ग्रीन कलर इसमें पूरा अच्छे से सेट हो चुका है, थोड़ा सा ही हमने डाला है। अब हम इसके अंदर ग्रीन कलर की चीज़ डालेंगे, तो हमने इसके अंदर ग्रीन कलर की कैप्सिकम डाली है। इससे खाने का स्वाद भी बढ़ेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इडली बनाने के लिए आप कोई भी पतीली, कोई भी बर्तन जो आपको सही लगे वो ले सकते हो। हमने एक स्टील की पतीली ली है, इसके अंदर हम इसको घी से ग्रीस कर देंगे जिससे इडली नीचे चिपकेगी नहीं। पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर मीठा सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैटर को हम पतीली के अंदर लगा देंगे जिसे हमने घी से ग्रीस किया है। इस तरह से इसे हल्का सा नीचे बिठा देंगे और पानी के अंदर हमने इजीली देखिए इसे रख दिया है। जो पानी का लेवल है वो पतीली से स्टैंड से नीचे ही है और अब हम इसे ढक देंगे। 5 मिनट के लिए हम इस बैटर के बेस को रेडी करेंगे। अब जो मिडल कलर है वो वाइट कलर का है, तो हम वाइट कलर का बेस रेडी करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच गट डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही एनहांस होकर आएगा। इडली और नारियल का तो वैसे ही मेल बहुत अच्छा है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे। जब हमारा 5 मिनट हो जाए उस बेस को रखे हुए, तभी हम इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करेंगे। 200 ग्राम हमने सूजी ली है। इन टोटल हम पूरी सूजी में आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मीठा सोडा यूज़ कर लेंगे। इसी अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर यूज़ करना है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। देखिए जो बेस है वो ऊपर से एक लेयर में आ गया है और फूल रहा है हल्का हल्का। अब हम इसके अंदर वाइट कलर का बेस डाल देंगे ताकि वो इसके साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए, इसीलिए हमने इसे 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था। हम इसे भी ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम केसरी कलर बनाएंगे, जो सबसे ऊपर का कलर है। इसके अंदर थोड़ा सा रेड ऑरेंज कलर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग बताइए हम इसके अंदर क्या डालेंगे जिससे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आए और रेड कलर में हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में सब लोग ज़रूर बताएं। डालने से पहले बताना है सबने, ये सबके लिए है। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल लेंगे। चीटिंग नहीं करनी है, सबने पहले ही बताना है कि हम इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने सेकंड बेस डाला है उसको भी 5 मिनट होने वाले हैं, तभी हम इसके अंदर मीठा सोडा डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसका ढक्कन हटाएंगे।
देखिए किस तरह से ये फूल कर ऊपर आ रहा है। अब हम इसके अंदर ये बैटर भी डाल देंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। तीनों बैटर अच्छे से कुक हो जाएंगे। तब तक फ्लेम को हमने इसके बीच में हाई ही रखा हुआ है, हाई फ्लेम पर इडली बन रही है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। फ्लफी बन गई है इडली, बहुत फूल के ऊपर आ गई है। अब हम इसके अंदर नाइफ डाल के चेक करेंगे। अगर ये इसके साथ चिपकती हुई, ये तो बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, इडली रेडी हो चुकी है। अगर ये इसके साथ चिपके तो इट मीन्स इसे थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगेगा। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको बॉल से अलग करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसकी साइड्स को इस तरह से नाइफ की हेल्प से अलग करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से ठोक देंगे ताकि नीचे से और साइड से चिपकी हुई हो तो उतर जाए। आप इस तरह से बनाएं तो बिल्कुल गरम गरम इडली को निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगी। आधे घंटे के लिए इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दें रूम टेम्परेचर पर, तब ये आसानी से निकल जाएगी। अब हम इसे प्लेट के ऊपर इस तरह से उल्टा कर देंगे। देखिए इडली हमारी बिल्कुल आराम से निकल गई है। अब इसके ऊपर इस तरह से प्लेट रखेंगे और इसे उल्टा कर देंगे। बहुत अच्छा कलर फॉर्म इसके अंदर बना है, वैसे तो हमारे तिरंगे की बात ही निराली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी इसे हम तिरंगे का फाइनल टच देंगे। जो वाइट का बेस है उसके अंदर हम एक चक्र लगाएंगे, तो हमने उसको लॉन्ग से लगा दिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।